गर्ल्स कैडेट है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और तीसरा इस कैंप में 25 कंट्रीज के एनसीसी कैडेट्स एचओडीज भी हिस्सा लेंगे। इस बार छात्रा कैडेटों का दल दिखाई देगा राजपथ पर, और क्या खास होने वाला है? आप जब इस एनसीसी कैंप में वेरियस एक्टिविटीज होंगी तो हमारे वेरियस प्रतिनिधि इसके अंदर आके विजिट करेंगे, और इसका उद्घाटन ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, और इसका कल्मिनेशन होता है पीएम, और इसके अंदर एक हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन भी होता है, और एक हम स्किल मंथन भी करेंगे जिसमें वेरियस जो स्किल के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, और एक और भी होगा जो हो कहते हैं वीरों की कहानी वीरों की जवानी, जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं वो आकर के हमारे एनसीसी कैडेट से। सर, इस बार कुल कितने बैंड इस बार शामिल हो रहे हैं? इस बार हमारे एनसीसी कैंप में 4 बैंड्स हैं, 2 बॉयज़ के 2 गर्ल्स के, और जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ एनसीसी में बराबरी है बॉयज़ और गर्ल्स की हर एक्टिविटीज़ में हर प्रतियोगिता। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार कुल कितने अधिक कैडेट शामिल हो रहे हैं? इस बार तकरीबन 200 कैडेट्स एक्स्ट्रा, और जो कि गर्ल्स कैडेट्स हैं एक्स्ट्रा वो कैंप में शामिल हो रहे हैं। इन कैडेटों को कहाँ कहाँ जाने का मौका मिलेगा, और कौन कौन से वीआईपी हैं जिनके समक्ष इनको अपनी प्रस्तुति करने का मौका मिलेगा? जो ये कैडेट्स हैं, सबसे पहले तो इस कैंप के अंदर हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ऑनरेबल आरएम और ऑनरेबल आरआरएम, सीडीएस, तीनों सर्विसेज के चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी, और उसके बाद उनको मौका मिलता है हमारे वॉर मेमोरियल में जाने का, और उसके बाद इनको मौका मिलता है प्रधानमंत्री के एट होम करने का, प्रेसिडेंट के एट होम करने का। 25 कंट्रीज़ के जो कैडेट्स आएंगे उनके साथ में भी इनके साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये थे फॉरेन कैडेट्स के नंबर्स कितने हैं इस बार? 25 और उनकी भी ट्रेनिंग वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल इंडियन कैडेट्स की होती है, या एनीथिंग डिफरेंट और बियॉन्ड? हर एक कंट्री का अलग अलग है, हर एक कहीं कहीं यूनिवर्सिटी के हैं, कहीं कहीं उनके मिलिट्री स्कूल के कैडेट्स हैं, तो हर एक कंट्री के अलग अलग हैं, हर एक कंट्री का अलग। थैंक यू।